वेलकम बैक टू विश्वास कोचिंग एंड नाउ हम लोग जो है 7.8 एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। सो यहाँ पर हमारे पास जो है लास्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रल लीडिंग टू द इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। नाउ पहले हमने जो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखे, अब हम लोग इंटीग्रल किस तरह से हमारे पास इनवर्स फंक्शन को लीड करता है, अब हम लोग वो चीज़ को देखेंगे। ठीक है, सो अगर यहाँ पर आप लोग जो है गौर करेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल 5 फंक्शंस है जिनके हम लोग इंटीग्रल्स देखेंगे वो किस तरह से हमारे पास इनवर्स फंक्शन को लीड करते हैं। 6 बेसिक इनवर्स फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम देखें हमारे पास जो है 1 बाय क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पर आप ऐसा कुछ देख सकते हैं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ हाइपरबॉलिक किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर के। तो अगर आप देखें तो मिलता जुलता है, ऑफकोर्स मिलता जुलता है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है ए भी आ जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर 1 था। ठीक है, सो यहाँ पर हमने यू लिखा था तो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर जो है हमारे पास ए में है, बस इतना ही फ़र्क है हमारे पास। अब इस फ़र्क को हम किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इसको देखिएगा। यहाँ पर ये हमारे पास ऑफकोर्स इक्वल तो है साइन इनवर्स के, साइन इनवर्स ठीक है साइन इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, बट इस ए को किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, इस ए को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यू बाय ए। ठीक है, डिवीजन में चला जाएगा हमारे पास हमारा ए एंड साथ में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास हमारा इंटीग्रल लीडिंग टू इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। सो हमें याद करना है कि हम लोग किस तरह से जो है इसको यूज़ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा आप, नेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी यू बाय स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी जो है पीछे वीडियो में बताया था कि कॉस इनवर्स जो होता है हमारे पास वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है 1 बाय स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1 के। तो क्या इसमें और इसमें कुछ खासा फ़र्क है? नहीं, सिर्फ ए का फ़र्क है। ए को भी हम लोग इसी तरह से एग्जिस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स और ये हो जाएगा हमारे पास यू बाई ए का विथ प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह से हमने जो है अपने इंटीग्रल से किस तरह से इनवर्स फंक्शन में हमारे पास वो इंटीग्रेशन जाएगा हमें पता चल गया। लाऊं यहाँ पर सम लिमिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हमें बताई गई है। कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक ही कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस होल फंक्शन विल बी मैस। तो यहाँ पर हम ज़ीरो इसको जो है फोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर यू जो है वो ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो है यू तो ए से ग्रेटर होना चाहिए और ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और पता है ना आपको फिर मैस क्रिएट होता है, फिर आते हैं हमारे पास इन्फिनिटी एंड सम अदर फंक्शंस। तो इस वजह से ये बाउंड्रीज जो यहाँ पर सेट की गई हैं। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास हमारे दो फंक्शंस। नाउ चलते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। थर्ड फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो है टेंजेंट का डेरिवेटिव बताया था, टेंजेंट इनवर्स का फंक्शन बताया था कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वन बाय वन माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, समथिंग लाइक दैट हमारे पास था, बट यहाँ पर ए नहीं है तो ए को भी हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, बट इसको हम लोग एज नॉर्मल जो है एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको हमने क्या करना होगा, इसको हमने जो है एक तरीके से एडजस्ट करना होगा। इसके अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं, इसको मैं ज़रा पहले यहाँ पर हटा देती हूँ। इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं, हम लोग इसको जो है दो पार्ट्स की तरह लिख सकते हैं, जैसे 1 बाय ए एंड साथ में टेंजेंट इनवर्स ऑफ हाइपरबोला विद यू बाय ए। यहाँ पर टेंजेंट में एक हमारे पास ए लगता है। ठीक है, एंड देन इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाय ए
cot hyperbola inverse u by a with some constant. ठीक है, एंड यहाँ पर भी इन्होंने हमें क्या दिया गई है, कंडीशन दी गई है कि इफ़ एंड ओनली इफ, अगर यहाँ पर जो है इफ़ अगर हमारे पास u स्क्वायर जो है ग्रेटर होना चाहिए a स्क्वायर से, एंड यहाँ पर जो है u स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर लेस होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, सो हमें जो है ये कंडीशन सारी याद करनी होगी ताकि जब हम लोग फंक्शंस को सॉल्व करें तो वो हमें कंफ्यूज ना करें उस साइड पे. ठीक है, सो ये हो गए हमारे पास थर्ड फंक्शन. नाउ फोर्थ फंक्शन की तरफ चलते हैं. तो अगर हम लोग अपने फोर्थ फंक्शन की तरफ चलें तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अगर आपको ये याद हो तो ये मैंने आपको कोसेकन, नहीं मैंने आपको सीकन का ये बताया था कि ये सीकन का जो होता है हमारे पास क्या होता है, सीकन हाइपरबोला इनवर्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है वन बाई यू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से हमने सीकन का पढ़ा था पीछे वीडियो में. तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पीछे में से कोई लेक्चर मिस करेंगे तो आपको फिर आगे जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी. तो जिन्होंने पीछे देखा होगा अब उनको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा जब मैं इधर मेंशन कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उनको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होगा. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद हमारे पास माइनस आएगा वन बाय ए एंड दिस विल बी सीकन हाइपरबोला इनवर्स यू बाय ए सम कॉन्स्टेंट इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास जीरो इज लेस देन यू एंड लेस देन ऑफ ए हो. ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारे पास कंडीशंस इसकी. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ है हमारे पास डी यू बाय यू एंड ए स्क्वायर प्लस ऑफ यू स्क्वायर. तो अगर आपको याद होती है हमारे पास जो है कोसेकन का डेरिवेटिव के इनवर्स में आ रहा था, तो ये हो जाएगा माइनस ए एंड ये हो जाएगा हमारे पास कोसेकन हाइपरबोला इनवर्स u by a. अब यहाँ पर जो u by a होगा वो हमारे पास किस चीज़ में होगा, एब्सोल्यूट में होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो वहाँ पर भी हमने u के लिए एब्सोल्यूट यूज़ किया था. तो यहाँ पर भी हम एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे विथ सम जो है कंडीशन u इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड a जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. सो होप कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये समझ आ रही होंगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से याद कर लेना है और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज फ्यूचर में हम इसे यूज़ करेंगे. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अवर एक्सरसाइज. सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हैं उसमें आपने बुलेट्स में लिख देने हैं ताकि आपको याद रहे. फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए तो आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको बहुत ईजी जो है लगेगी. इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब तक बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है. अल्लाह हाफिज़.